हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर फ्रॉम यूनिट 4 एसी टू डीसी कन्वर्टर, दैट इज़ अ रेक्टिफायर। ओके, सो लास्ट टाइम वी हैव गॉन थ्रू द बेसिक वर्किंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द रेक्टिफायर, एंड इन दैट वी हैव सीन द हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर दैट वी हैव ऑलरेडी कवर। ओके, सो दैट थिंग वी हैव already covered in last session, so this is what we can say. First of all, we have seen the uncontrolled rectifier, means diode bridge rectifier, half wave uncontrolled and full wave uncontrolled. Then we have seen the half wave controlled rectifier. So in half wave control rectifier, we have used only single SCR, one SCR we have used. Okay, with two types of load. One is purely resistive type of load, and another then we have a RL load. Okay, so that thing we have already covered, and output voltage equation already we have defined for that. Okay, so aaj ka hamara topic hai, that is for the full wave. So it's a full wave controlled rectifier. So in full wave controlled rectifier we have a two types. One is a bridge rectifier and another is a center tap rectifier. So firstly we will see the center tap rectifier. Okay, so full wave controlled rectifier with a purely resistive type of load. सो हियर द सर्किट, सेंटर टैप में क्या होता है, बेसिकली सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज देयर एंड टू एस सी आर इज यूज हियर, वी हैव यूज टू एस सी आर. ओके, एंड आउटपुट वी गॉट इन फॉर्म ऑफ फुल वेव. दोनों साइकिल्स में हमें आउटपुट मिलेगा, जबकि हाफ वेव में एक ही साइकिल में हमें आउटपुट मिल रहा है. ओके, सो हियर वी कैन से एस सी आर वन एंड एस सी आर टू इज कनेक्टेड, लोड इज प्योरली रेजिस्टिव, यू कैन सी हियर. ओके, सो वी कैन से दिस इज अ प्लस माइनस मीन्स दिस इज अ जीरो पोटेंशियल वी कैन से एट सेंटर. ओके, सो नाउ हाउ इट विल वर्क, तो किस तरह ये काम करेगा. सो नाउ फ्रॉम जीरो टू पाई, नाउ इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, फ्रॉम जीरो टू पाई क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा जो दिखाया हुआ है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस. ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल वेन सप्लाई इज पॉजिटिव जीरो टू पाई में, तो क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, मतलब ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा. एस सी आर वन कम इन द फॉरवर्ड बायस, वेयर एज एस सी आर टू कम इन द रिवर्स बायस, मीन्स ये माइनस है तो ये एनोड माइनस होगा, दैट मीन्स एस सी आर टू रिवर्स बायस में आएगा. तो अब एस सी आर वन को अगर गेट पल्स दोगे तो करंट फ्लो होगा. सो लेट से एट सम फायरिंग एंगल अल्फा, अल्फा पे हम गेट पल्स देते हैं टू एस सी आर वन, एस सी आर वन को हम ऑन करते हैं, तो क्या होगा, जैसे ही एस सी आर वन को ऑन करोगे आई गॉट द आउटपुट वोल्टेज, बिकॉज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पाथ एस सी आर वन देन आई जीरो थ्रू आर एंड टू जीरो पोटेंशियल. सो आई गॉट आउटपुट वोल्टेज हियर अक्रॉस द लोड, सो आई गॉट आउटपुट वोल्टेज वी लाइक दिस. सो फ्रॉम अल्फा टू पाई आई गॉट द आउटपुट वोल्टेज. नाउ एट पाई करंट इज जीरो, एट पाई पे करंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो एस सी आर कम इन द ऑफ स्टेट, तो एस सी आर ड्यू टू द नेचुरल कॉम्पिटिशन एस सी आर ऑफ कंडीशन में एस सी आर वन कम इन द ऑफ कंडीशन. ओके, नाउ अ पोलारिटी चेंज, मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, मीन्स एस सी आर वन अब रिवर्स बायस में आ जाएगा जब एस सी आर टू फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा. जब एस सी आर टू फॉरवर्ड बायस में आएगा तो एस सी आर टू को हम गेट पल्सिस देंगे. ओके, सो गेट पल्सिस दे देंगे एस सी आर टू को, तो एस सी आर टू नेगेटिव में फायर ऑन होगा, तो हियर दिस इज द करंट. सो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, फ्रॉम पाई प्लस अल्फा, तो एस सी आर टू इज फायर फ्रॉम पाई प्लस अल्फा से फायर करते हैं, ये अल्फा है ये पाई, तो पाई प्लस अल्फा से ही फायर होगा, तो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पाथ एस सी आर टू देन थ्रू दी लोड. सो डायरेक्शन ऑफ करंट पहले इस तरह थी, इसमें भी इस तरह ही है, सो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव में मिलेगा. ओके, सो दिस इज द आउटपुट वोल्टेज when negative cycle is there. Okay, so here again current is zero, यहाँ current zero हो रहा है, means एस सी आर टू ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, अगेन पोलारिटी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव साइकिल में ये प्लस माइनस प्लस माइनस, एस सी आर वन ऑन स्टेट में आएगा, एट टू पाई प्लस अल्फा पे हम फायर करेंगे, बिकॉज अल्फा इज माई फायरिंग एंगल, तो ये पाई है तो यहाँ अल्फा होगा तो पाई प्लस अल्फा, यहाँ भी पाई होगा तो टू पाई प्लस अल्फा. ओके, सो एंड सो ऑन. ओके, सो दिस इज माई आउटपुट वोल्टेज नाउ. सो हियर यू कैन सी कि भाई दोनों वेव दोनों साइकिल्स पे हमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव में हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है. सो दैट्स वाई इट्स अ फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ अ प्योरली रेजिस्टिव टाइप ऑफ
load. Okay, now current, this is a current waveform. So current through SCR1 and current through SCR2. So current through SCR1 kab hoga, jab usme se current flow hoga. To kab flow ho raha hai, to SCR1 mein current kab flow ho raha hai? Yaha. To yehi current yaha aayega. To SCR1 mein current yaha flow ho raha hai, aur SCR2 mein kaha flow ho raha hai? Yaha. To SCR2 mein yaha aayega. Yaha current zero aa raha hai SCR2 mein, because at positive half cycle SCR2 off condition mein hai, because wo reverse bias mein hai. Okay, so clear with this. So finally, this is the output voltage. Okay, now then what is the equation for that output voltage equation? Average value क्या होगा? तो output voltage मुझे किस तरह मिल रहा है? Pi to alpha मिल रहा है. Okay, pi to alpha means alpha to pi output मुझे मिल रहा है. But full cycle के लिए मिल रहा है तो 2/2 pi. Half में क्या था? 1/2 pi था, जबकि यहाँ 2/2 pi alpha to pi. और आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है? Vm sin ओमेगा टी. सो Vm दैट इज़ √2 × V, मैक्सिमम वैल्यू है √2 × V sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी. अब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आई गॉट V जीरो एवरेज, दैट इज़ Vm अपॉन पाई 1+cos α. सो इट्स अ Vm अपॉन पाई 1+cos α. ओके, जबकि फुल हाफ वे में क्या था? Vm अपॉन 2π 1+cos α, और यहाँ क्या है? फुल में Vm अपॉन पाई 1+cos α. तो आउटपुट वोल्टेज इन फुल वे में कंपेयर टू द हाफ वे डबल ही मिलने वाला है, बिकॉज दोनों साइकिल में हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है. तो I जीरो एवरेज क्या हो जाएगा? तो V जीरो एवरेज डिवाइड बाय रजिस्टर R. तो V जीरो एवरेज डिवाइड बाय R. सो फाइनली Vm अपॉन पाई R 1+cos α. ओके, सो आउटपुट वोल्टेज अगेन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा, फायरिंग एंगल अल्फा पे डिपेंड कर रहा है. ओके, सो दिस इज अ इक्वेशन, सॉरी वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन फॉर फुल वेव सेंटर टैप फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ प्योरली रजिस्टर्ड टाइप लोड. सो दिस इज अ सर्किट वेव फॉर्म एंड इक्वेशन. ओके, सो नाउ व्हाट इज आरएमएस वैल्यू? तो अब आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आरएमएस के लिए पता है इट्स अ रूट मीन स्क्वायर, सो दैट इज अ मीन एवरेज वैल्यू का स्क्वायर और उसका भी अंडर रूट. ओके, तो फाइनली अगर उसे भी सॉल्व करेंगे तो वी जीरो आरएमएस क्या मिल जाएगा? वी एम अपॉन √2 अंडर √1 - π α/π प्लस sin 2α/2π. सो क्लियर, एंड फ्रॉम दैट आई कैन फाइंड दी आई जीरो आरएमएस. ओके, एंड फ्रॉम दैट आई कैन ऑल्सो फाइंड द पावर पी जीरो आई जीरो स्क्वेयर आई जीरो आर एम एस स्क्वेयर इन टू आर. फाइनली इट्स वी जीरो स्क्वेयर आर एम एस अपॉन आर. सो दिस इज माई आउटपुट करंट एंड सॉरी आउटपुट पावर फॉर दैट. ओके, सो हियर आई हैव डिफाइंड द इक्वेशन फॉर द एस सी आर करंट. ओके, एस सी आर में से जो करंट फ्लो हो रहा है इसका भी डिफाइंड किया हुआ है एवरेज एंड आर एम एस करंट इक्वेशन. ओके, सो नाउ नेक्स्ट दैट इज अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर विथ आर एल लोड. अब आर एल लोड होगा तो क्या होगा? तो आगे भी हमने दिखाया हुआ है कि वैन लोड इज आर एल, अगर लोड आर एल हो जाता है तो क्या हो रहा है? जो आउटपुट वोल्टेज हो नीचे जाएगा, नेगेटिव में भी जाएगा. देखो, ओके, सो वर्किंग रिमेन सेम, मीन्स इन पॉजिटिव हाफ साइकिल एस सी आर वन कम इन द ऑन स्टेट, इन नेगेटिव हाफ साइकिल एस सी आर टू कम इन ऑन स्टेट ओके. तो बट यहाँ चेंज क्या होगा? वेन लोड इज आर एल, तो ड्यू टू द इंडक्टेंस इट विल स्टोर सम एनर्जी. तो नेगेटिव में थोड़ा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, यहाँ जीरो नहीं होगा. ड्यू टू स्टोर्ड एनर्जी ये आउटपुट वोल्टेज में ये नेगेटिव पोर्शन हमें मिलेगा. सो ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा अगर एवरेज डिफाइंड की जाए तो? कम हो जाएगा. ओके, सो यहाँ आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा? तो यहाँ पाई सॉरी अल्फा टू पाई प्लस अल्फा. सो अल्फा टू पाई प्लस अल्फा, तो वी जीरो 1/π अल्फा टू पाई प्लस अल्फा वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी. सो फाइनल इट्स अ 2Vm/π cos α. सो दैट इज अ एवरेज आउटपुट वोल्टेज व्हेन लोड इज आर एल. ओके, व्हेन लोड इज आर एल. अगर इसको कम करना है, मतलब आउटपुट वोल्टेज बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे फ्री व्हीलिंग डायोड अक्रॉस में लगाना पड़ेगा. ओके, सो एज आई कनेक्ट दी फ्री व्हीलिंग डायोड, तो आउटपुट वेवफॉर्म जो पहले की तरह है वही हो जाएंगे. ओके, नेगेटिव साइकिल हमें नहीं मिलेगा. ओके, सो सेम फिर से सेम आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, तो आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन भी रिमेन सेम. ओके, जो हमने पहले किया है. ओके, सो इज अ सेंटर टैप फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. ओके, आई थिंक यू हैव क्लियर विद दिस. ओके, देन वी कैन से फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद हाई लोड, दैट इज अ ब्रिज रेक्टिफायर. ब्रिज रेक्टिफायर मोस्टली वी आर यूजिंग दिस ब्रिज रेक्टिफायर. ओके, सो हियर वी हैव यूज फॉर एस सी आर,
चार SCR हमने यूज़ किए हैं, लोड इज़ प्योरली रेजिस्टिव। तो इसमें किस तरह वर्क होगा, जो हमने डायोड में किया था सेम टाइम, हियर टू SCR कम इन द ऑन स्टेट एट अ सेम टाइम, मीन्स SCR 1 एंड SCR 4 को सेम गेट पल्स देने हैं, दोनों को सेम टाइम पे ऑन करना है। सेम वे SCR 2 और SCR 3 को भी सेम टाइम पे ऑन करना है, मीन्स इन पॉजिटिव हाफ साइकिल SCR 1 एंड SCR 4 कम इन द ऑन स्टेट, वेयर एज इन नेगेटिव हाफ साइकिल SCR 2 एंड SCR 3 कम इन द ऑन स्टेट। ओके, सो नाउ इन पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस इज़ पॉजिटिव दिस इज़ नेगेटिव, मीन्स SCR 1 एंड SCR 4 इज ऑन, तो फाइनली करंट फ्लो थ्रू दिस SCR 1, देन थ्रू लोड, देन थ्रू SCR 4 एंड बैक टू नेगेटिव। ओके, सो आउटपुट विल लाइक दिस, दिस इज माई आउटपुट वोल्टेज। ओके, सो नाउ हियर करंट इज जीरो, तो दोनों SCR क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएगा ड्यू टू नेचुरल कॉम्बिनेशन। नाउ पोलारिटी चेंज हो जाएगी, मतलब ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, सो अब SCR 2 एंड SCR 3 को गेट पल्सिस देंगे एट पाई प्लस अल्फा। ओके, सो नाउ द करंट पाथ विल बी फ्रॉम दिस SCR 3 लोड SCR 2 एंड बैक टू द सप्लाई। ओके, सो हियर आई गॉट द आउटपुट वोल्टेज इन द सेम मैनर, मीन्स पॉजिटिव में मिलेगा, सो दिस इज माई आउटपुट। हियर SCR 1 एंड SCR 4 कम इन द ऑन स्टेट, हियर SCR 2 एंड SCR 3 कम इन द ऑन स्टेट। अगेन SCR 2 एंड 3 यहाँ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ड्यू टू नेचुरल कॉम्पिटिशन, बिकॉज करंट जीरो हो जाता है। अगेन SCR 1 एंड 4 ऑन करेंगे एट सम फायरिंग एंगल अल्फा, तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा एंड कंटिन्यूसली साइकिल रिपीट करेंगे। ओके, सो आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरह मिलेगा। ओके, तो जो हमें सेंटर टैप में मिला वही इसमें भी आउटपुट मिलेगा, उसमें हमने दो SCR यूज़ किए हैं, जबकि यहाँ SCR 4 SCR यूज़ किए, बट उसमें हमने ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, जबकि यहाँ हमने ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं किया। सो वहाँ दो SCR यूज़ किए हैं, यहाँ 4 SCR यूज़ किए हैं, बट वहाँ हमने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, यहाँ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं किया हुआ है। ओके, सो जब सेंटर टैप ट्रांसफार्मर आता है तो फाइनली ओवरऑल कॉस्टिंग बढ़ जाती है, तो मोस्टली वी आर प्रीफरिंग दिस फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। ओके, सो दिस इज फॉर आर टाइप ऑफ लोड, तो सेम इक्वेशन दैट वी हैव दैट वी जीरो एवरेज क्या मिलेगा, तो आउटपुट मुझे कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, तो फ्रॉम अल्फा टू पाई। ओके, सो वी जीरो एवरेज 2/2 पाई अल्फा टू पाई क्या मिल रहा है, वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आई गॉट वी एम अपॉन पाई 1+cos α, जो आगे हमने सॉल्व किया हुआ था। सेम वे आई जीरो एवरेज क्या होगा, वी जीरो एवरेज बाय आर, वी बाय आर कर दोगे तो फाइनली वी बाय आर, तो फाइनली आई गॉट आई जीरो एवरेज, दैट इज दिस इक्वेशन। आर एम एस वैल्यू क्या होगा, तो वी जीरो आर एम एस क्या होगा, तो ये मीन एवरेज मीन वैल्यू जो मिल रहा है उसका स्क्वेयर और उसका भी अंडर रूट, तो मीन वैल्यू का स्क्वेयर और उसका भी अंडर रूट। सो अगर इसे सॉल्व करोगे तो फाइनली वी जीरो आर एम एस इज नथिंग बट वी एम अपॉन रूट टू और अंडर रूट 1 α/π + sin 2α/2π, जो सेंटर टैप में किया है वही वोल्टेज इक्वेशन यहाँ रहेगा, कुछ नया नहीं किया है, जो आगे किया है वही रहने वाला है, बट ये फुल ब्रिज के फॉर्म में, वो सेंटर टैप में था। ओके, सो नाउ दिस इज अगेन SCR करंट, एवरेज करंट एंड RMS करंट, एंड देन फाइनली वी हैव अ पावर दैट इज आई स्क्वेयर आर पावर। ओके, सो फ्रॉम दैट आई कैन ऑल्सो फाइंड द पावर फैक्टर ऑल्सो। ओके, पावर फैक्टर इनपुट सप्लाई के पावर फैक्टर आई कैन फाइंड बिकॉज इनपुट इज AC, दैट्स वाई, सो दैट इज आई जीरो सॉरी आई आर एम एस स्क्वेयर आर अपॉन वी एस अपॉन आई जीरो आर एम एस। ओके, सो फाइनली दिस इज आई जीरो आर एम एस आर इंटू वी एस। ओके, सो दिस इज अ पावर फैक्टर इक्वेशन। ओके, इक्वेशन एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं पावर फैक्टर इक्वेशन। ओके, सो दिस इज द थिंग व्हेन लोड इज़ प्योरली रेजिस्टिव। ओके, नाउ लेट्स से व्हेन लोड इज़ आरएल, अब लोड आरएल है तो क्या चेंज होगा, तो SCR 1 और 2 सेम टाइम पे ही, 1 और 4 सेम टाइम पे ही ऑन होगी, सेम वे SCR 3 एंड 2 भी सेम टाइम पे होंगे। खाली चेंज क्या होगा कि यहाँ हमें नेगेटिव में साइकिल मिलने वाला है थोड़ा, ड्यू टू द इंडक्टर स्टोर्ड एनर्जी जो इंडक्टर ने की हुई है, तो अब हमारा आउटपुट अल्फा टू पाई प्लस अल्फा तक जाएगा, नॉट अल्फा टू पाई बट इज द अल्फा टू पाई प्लस अल्फा, तो इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो वी जीरो आर एम एस क्या हो जाएगा, अल्फा टू पाई प्लस अल्फा, हियर आई हैव टेकन दैट पाई प्लस अल्फा इक्वल टू दैट बीटा, वो मैंने यहाँ बीटा लिया हुआ है, दैट्स वाई इट इज गिवन बीटा, तो वी जीरो आर एम एस क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, वी
वी जीरो अपॉन पाई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ओके, सो अगर बीटा की जगह आप पाई आई प्लस अल्फा लिखे तो फाइनल इट्स अ टू वी एम बाई पाई कॉस अल्फा ही मिलेगा। सेम वे एवरेज वैल्यू भी मुझे यही मिलने वाला है वी जीरो अपॉन आर। सेम वे पावर, दिस इज माई पावर इक्वेशन। ओके, देन पावर फैक्टर। ओके, सो दिस आर दी सम आउटपुट पावर। इफ द लोड सर्किट हैव EMF देन आउटपुट एवरेज पावर। ओके, सो दिस आर द पावर इक्वेशंस। ओके, सो एज यू हैव दिस आउटपुट वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ एवरेज एंड RMS, यू कैन फाइंड द पावर, एवरेज पावर, RMS पावर। ओके, सो दिस इज व्हेन लोड इज RL। अब ये वैल्यू है व्हेन लोड इज RL। ओके, सो टू ओवरकम दिस लॉस कि भाई जो नेगेटिव में आउटपुट आ रहा है, क्या करेंगे हम, फ्री व्हीलिंग डायोड लगा देंगे अक्रॉस में। तो जैसे ही हमने फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया तो जो नेगेटिव में जा रहा है वो वोल्टेज में सप्लाई बैक कर रहा है वो नहीं करेगा, बट इट विल फ्री व्हीलिंग थ्रू दिस पाथ। तो यहाँ से वो ऑटोमेटिकली एनर्जी फ्री व्हीलिंग कर देगा। तो अब आउटपुट वोल्टेज मुझे जो पहले मिल रहा था वैसे ही मिलेगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो इसके लिए तो हमने इक्वेशन डिफाइन किया हुआ है अल्फा टू पाई। सो अल्फा टू पाई के लिए दैट इज वी एम अपॉन पाई वन प्लस कॉस अल्फा एंड सेम वे दिस इज आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन। ओके, सो फ्री व्हीलिंग डायर जो एनर्जी डिसिपेट कर फ्री व्हीलिंग करवा देता है, तो नेगेटिव साइकिल्स जो मिल रही वो नहीं मिलेगी। ओके, एंड अकॉर्डिंगली इक्वेशन इज गिवन। सो आई थिंक नाउ यू हैव अ क्लियर विद दिस फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर with R and RL load also. Okay, so here I just ended my session. Thank you very much.